न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जबलपुर में योगा डे पर रिकॉर्ड 1.5 लाख लोगों ने किया योग। उपराष्ट्रपति बोले, स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है योग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, ये मानव जाति के लिए है। योग शरीर और आत्मा को सक्षम बनाता है। योग का यही मंत्र है कि हिंग लगे ना फिट करी, रंग चौका ही आवे, बिना खर्च के काम न जाना। राष्ट्रपति जबलपुर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस पर दिए गए संदेश का प्रसारण भी किया गया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि नर्मदा के तट पर और रानी दुर्गावती की बालदानी भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ। योग दिवस एक दिन का नहीं है बल्कि रोज का है। योग स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है, इसका सदुपयोग करें। योग को पूरे विश्व में मिली अलग पहचान। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर से यह प्रयास किया है और योग को पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाई है। 24 सितंबर 2014 की इस पहल को पूरी दुनिया का समर्थन मिला। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन की। पीएम मोदी ने योग के लिए जो प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। आज भारत और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर शहर में 1.25 लाख और जिले में करीब 1.5 लाख लोगों ने योग किया। गैरिसन ग्राउंड में अकेले राष्ट्रीय कार्यक्रम में करीब 15,000 योगाभ्यासी शामिल हुए और भारत सरकार के कॉमन योगा प्रोटोकॉल पर एक साथ योग किया। गैरिसन ग्राउंड में देश के मुख्य कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने युवा ट्रांसजेंडर का समूह तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्त हुए व्यक्तियों का समूह भी शामिल हुआ और योग अभ्यास किया। जबलपुर के योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश और दुनिया के करीब 80 देशों में किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, थंगजिंग में कई राउंड गोली बारी, मौके पर सुरक्षा बल मौजूद। मणिपुर में हिंसा की आग नहीं बुझ रही है, लगातार गोलीबार खबरें सामने आ रही है। मणिपुर में मंगलवार देर रात को भी दो जगहों से रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। देर रात तक की राउंड हुई गोलीबारी। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर पूर्व के थांगजिंग में मंगलवार की रात 11:45 पर ऑटोमेटिक हथियारों से करीब 15-20 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। उन्होंने कहा कि गेलजेंग से सिंगड़ा के भी छिटपुट गोलीबारी की सूचना मिली है। ये दोनों इलाके कांगचूप क्षेत्र में आते हैं। मणिपुर के एक अधिकारी ने कहा, रात 8 बजे से 9:30 बजे के बीच गेलजान और सिंगड़ा इलाकों में 4-5 राउंड फायरिंग की गई है। ये दोनों फायरिंग अलग अलग जगह से की गई है। दोनों जगहों के बीच की दूसरी किमी 2 किलोमीटर है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद। इधर गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल इलाके में सक्रिय हो गए हैं। असम राइफल के जवान दोनों जगहों पर यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि क्या कोई हताहत हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएनजी पर चलने वाली टैक्सी को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी का एक अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और अनुबंध कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों के परमिट की वैधता अब 15 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। टैक्सी मालिकों को इन शर्तों का करना होगा पालन। परमिट की वैधता सरकार ने भले ही बढ़ा दी है, लेकिन इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 और दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, टैक्सी वालों को मिलेगी मदद। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से हजारों टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी, वे कुल 15 वर्ष तक अपने सीएनजी वाहनों को चला पाएंगे। उन्होंने कहा, शहर में टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों का कल्याण व सुविधा सुनिश्चित करते हुए परिवहन के स्वच्छ तथा हरित तरीके प्रदान करने की दिशा में एक पहल है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज फ्री ऐप डाउनलोड कर इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsfree.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ 3 पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।